हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू सॉ चिल्ड्रन बिहेव बैडली इन पब्लिक। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसकी वीडियो की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है ताकि आप उसे एक बार दोबारा सुन के इस फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट कर सके। एज यू नो, एग्जामिनर के पास कंप्लीट फ्रीडम रहती है कि आपको वो किस तरह के क्वेश्चंस पार्ट थ्री में पूछेंगे, बट इट इज़ क्वाइट लाइकली पॉसिबल दैट व्हाटएवर आइडिया यू विल डिस्कस इन योर क्यू कार्ड, द एग्जामिनर विल पिक सम वर्ड्स, सम कॉन्सेप्ट्स एंड सम आइडियाज फ्रॉम देयर and decide to ask you certain questions in the follow-up questions. So, आज मैंने आपके लिए जो questions ready किए हैं that is my guesswork. मुझे लगता है कि शायद आपको ये questions पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरे ideas की PDF book को purchase करना है तो दिए गए number पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस बुक में 1 to 78 के सारे नए क्यू कार्ड्स हैं और उनके फॉलोअप क्वेश्चंस भी हैं। सारे आइडियाज़ यूनिक हैं, सबसे अलग हैं और मैंने इन्हें खुद बनाए हैं। चलिए अब 1 by 1 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझेंगे। डू यू थिंक दैट नाउअडेज चिल्ड्रन आर मोर नोटोरियस देन इन द पास्ट? क्या आपको लगता है कि आजकल भूतकाल की तुलना में बच्चे ज़्यादा बदमाश हो गए हैं? नोटोरियस यानी बदमाश। येस, आई ऑल्सो फील द सेम। जी हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। Children in the current times are not only more notorious but also very stubborn and rude. बच्चे आजकल current times में बदमाश तो हो ही गए हैं लेकिन बहुत जिद्दी और अविवेकी, यानी उनमें विनम्रता भी नहीं रही है। Next question देखेंगे। Is it good to spank and scold children? क्या बच्चों को डांटना और मारना, spank यानी उनको मारना, उनकी पिटाई करना, अच्छा है? यानी आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू स्कोल्ड और बीट चिल्ड्रन। बच्चों को डांटना या फिर मारना अच्छी बात नहीं है। चिल्ड्रन डू नॉट लर्न बाय बीइंग स्कोल्डेड। हार्श ट्रीटमेंट डज मोर हार्म देन गुड। बच्चे डांट से नहीं सीख पाते और जब भी हम बच्चों के साथ हार्श ट्रीटमेंट करते हैं यानी बुरा बर्ताव करते हैं तो ये उनको ज़्यादा नुकसान करता है ना कि उन्हें फ़ायदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉट इज़ द बेस्ट वे टू टीच डिसिप्लिन टू चिल्ड्रन? बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है आपके हिसाब से? द बेस्ट वे टू टीच डिसिप्लिन टू चिल्ड्रन इज़ बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग डिसिप्लिन बिहेवियर। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का श्रेष्ठ तरीका है खुद डिसिप्लिन बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करें, यानी अपने बर्ताव में भी डिसिप्लिन दिखाएं। क्लियर रूल्स एंड वार्म गाइडेंस इज ऑल्सो अ गुड मेथड टू इंस्टिल ओबीडियंस। क्लियर रूल्स बना देना बच्चों के लिए, उनको वार्म्थ से गाइडेंस देना, उनको मार्गदर्शन देना, ये भी एक अच्छा तरीका है उनको ओबीडियंस सिखाने का। अगर आपको कुछ ऐसा पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कुछ नहीं सूझ रहा, आप कंप्लीटली कंफ्यूज हो गए कि इसका मैं क्या जवाब दूं, यू कैन ऑलवेज से वेल आई रियली डोंट हैव एन आइडिया दैट हाउ टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन। इट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू डू। चिल्ड्रन आर वेरी नोटोरियस एंड आई हैव टू रियली गो बैक एंड रीड हाउ टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन और आई नीड टू फाइंड आउट वेज टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन। यू आर एटलीस्ट स्पीकिंग 2 to 3 सेंटेंसेज इन इंग्लिश एंड ट्राइंग टू शो द एग्जामिनर दैट यू डू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू से दैट आई डोंट नो, बट आप आई डोंट नो नो ऐसा बोल के अगर अटक गए तो दिक्कत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Why are some children obstinate? कुछ बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं? Obstinate यानी जिद्दी, stubborn का एक synonym है ये। Some children are obstinate because they get things easily. कुछ बच्चे जिद्दी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। If parents provide everything what they demand, children will become more demanding and throw tantrums when refused. अगर parents बच्चे जो भी मांगे वो सारी चीज़ें उनको ला देंगे तो क्या होगा, बच्चे ज़्यादा demanding हो जाएंगे, यानी मांगते ही रहेंगे, और जब उन्हें हम मना करेंगे यानी parents उन्हें मना करेंगे तो वो ज़िद पकड़ेंगे और tantrums throw करेंगे, यानी बदमाशी करेंगे, चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, इसे tantrums throw करना कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। Why do you think most people experience sibling rivalry? आपको क्यों लगता है कि ज़्यादातर लोग सिबलिंग राइवलरी एक्सपीरियंस करते हैं? व्हाट इज़ सिबलिंग राइवलरी, इसको थोड़ा समझेंगे। सिबलिंग यानी भाई या तो बहन, ओके, खास करके जो हमारा रियल ब्रदर या सिस्टर होता है उसे सिबलिंग कहा जाता है। राइवलरी यानी दुश्मनी। आप जानते हो कि अगर आपका भाई बहन है तो हर किसी को लगता है कि मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं या मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमें थोड़ी सी इनोसेंट जेलसी होती है हमारे ब्रदर या सिस्टर से। इसे सिबलिंग राइवलरी कहा जाता है, विच इज़ नॉट एक्चुअली द रियल जेलसी और राइवलरी, बट एवरी चाइल्ड विल हैव सम काइंड ऑफ राइवलरी टूवर्ड्स हिज और हर ब्रदर और सिस्टर। सो ये नेचुरल है, नॉर्मल है। तो
आपको पूछा जा रहा है कि why do you think most people experience sibling rivalry? आपको क्यों लगता है कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ का, इस पर्टिकुलर फीलिंग और इमोशन का एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं? सिबलिंग राइवलरी इज़ अ नॉर्मल इमोशन एंड अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एक्सपीरियंसेस। सो आपका ओपिनियन दे रहे हैं कि सिबलिंग राइवलरी एक बहुत ही नॉर्मल फीलिंग है, इमोशन है, और ग्रोइंग अप, बड़े होने का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस। ऑल वॉन्ट अनडिवाइडेड अटेंशन एंड वेन दे हैव टू शेयर इट विद सिबलिंग्स इट मे कॉज राइवलरी, बट आई थिंक इट इज़ हेल्दी एंड कॉमन। हर किसी को अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, यानी उन्हें चाहिए कि उनके जो पेरेंट्स हैं, दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दें। और जब उन्हें ये अटेंशन शेयर करना पड़ता है, प्यार शेयर करना पड़ता है, तो हो सकता है कि उन्हें अपने सिबलिंग से जेलसी हो या फिर राइवलरी हो। ये बहुत ही हेल्दी है और हर कोई बच्चे में ये चीज़ मेरे हिसाब से कॉमन है। सो फ्रेंड्स, ये जो फॉलोअप क्वेश्चन है, उसका जो मेन क्यू कार्ड है, उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न आते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उसका जवाब दूँ, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद द क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।